हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सियानवांग एफएफ शेयर कर रही थी, और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा लेंस एंड का और विंग का ना एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारा विंग ना लेंस एंड को हॉस्पिटल ले आया था, और वो ना मतलब एक चेयर पर बैठ कर रो रहा था विंग, और ना नर्स से पूछ रहा था कि वो ठीक तो हो जाएगा ना, लेंस एंड ठीक तो हो जाएगा ना। उसके सिर से खून बह रहा था, ऐसा सब बोल रहा था। और नर्स जो थी वो कह रही थी कि आपके भी सिर से खून बह रहा है, आप पट्टी करवा लो, ऐसा बोल रही थी। लेकिन हमारा विंग ना कुछ सुनने की हालत में भी नहीं था। वो ना मतलब रोए जा रहा था और कह रहा था कि वो ठीक तो हो जाएगा ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना, वो ऐसा बोल रहा था। और तभी ना वहाँ पर ना डॉक्टर आ जाते हैं, और ना विहिंग को देखते हैं कि उसके सिर से खून बह रहा है। तो डॉक्टर ना नर्स से कहते हैं कि तुमने इनको पट्टी करवाने के लिए क्यों नहीं कहा, ऐसा पूछते हैं। तो ना नर्स कहती है कि जब से ये आए हैं मैं तब से बोल रही हूँ कि आप पट्टी करवा लीजिए, सिर से खून बह रहा है। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ये पूछे जा रहे हैं कि वो ठीक तो है ना, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब जो पेशेंट आप चेक कर रहे थे वो ठीक है कि नहीं, वही पूछे जा रहे हैं, ऐसा बोलती है नर्स। तो डॉक्टर कहते हैं कि विंग को कहते हैं कि वो ठीक है, वो मतलब अचानक से एक्सीडेंट हो गया था तो वो ना बेहोश हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने उसकी पट्टी कर दी है और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर। तो ना हमारा विंग ना ये सुनते ही ना वहाँ पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसके सिर से ना मतलब खून बह रहा था, और ना ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ ये सुनना चाहता है कि लेंसन ठीक है कि नहीं। और जब उसने सुन लिया कि लेंसन ठीक है तो वो ना बेहोश हो गया। तो विंग को भी ना जहाँ पर लेंसन है ना उस रूम में शिफ्ट किया जाता है, और वहाँ पर भी एक बेड था, मतलब दो बेड थे, एक में लेंसन था एक में विंग था। और विंग ना वहाँ पर लेटा हुआ था, और डॉक्टर ना उसके सिर में ना पट्टी कर देते हैं, और ना नर्स को कहते हैं कि इन दोनों का ख्याल रखना, ऐसा बोलते हैं। और तभी ना हमारा जो विंग है ना वो तो बेहोश था, मतलब लेटा हुआ था, और ना हमारा लेंसन को ना अचानक से होश आता है, और वो ना कहता है विंग बोलता है, और ना वो ना अपने आसपास देखने लगता है, और ना वो विंग को देखता है, वो बेड पर लेटा हुआ था और ना वो मतलब बेहोश था। तो ना वो ना उसके पास जाने लगता है, लेकिन उसके सिर में चोट लगी हुई थी तो वो उठ रहा था तो उसको दर्द हो रहा था। तो ना नर्स उसको देखती हैं और कहती हैं कि तुम लेटे रहो, तुम क्या कर रहे हो, बोलती हैं। तो ना हमारा लेंसन ना नहीं सुन रहा था, और ना वो विंग के पास जाता है, और ना वो कहता है कि विंगा विंगा उठिए उठिए बोलता है। तो नर्स ना उसे कहती है कि कुछ देर बाद उनको होश आ जाएगा, ऐसा बोलती है। तो हमारा लेंसन ना रो रहा था और कह रहा था कि विंग उठो उठो, जल्दी से उठो उठो, मैं तुम्हें ना अब गुस्सा नहीं करूँगा, और मैं तुम्हें ये भी नहीं बोलूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम इसी वजह से मुझसे नाराज़ हो ना, तुम उठो ना, मैं तुम्हें नहीं कहूँगा, हम सिर्फ दोस्त बनकर रहेंगे, मैं ना वो सब झूठ बोल रहा था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा सब उसके मन में जो आ रहा था वो बोल रहा था कि विंग को होश आ जाए करके। और उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जो विंग को कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसी वजह से ना विंग उससे बात नहीं कर रहा है, उसे ऐसा लग रहा था। तो वो ना ऐसा कह जा रहा था, तो हमारा विंग भी ना अचानक से उठ जाता है जब लेंसन कहता है कि मैं नहीं कहूँगा तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ऐसा जब बोलता है ना तो हमारा विंग ना उठ जाता है। और विंग ना उसको ना मतलब कहता है कि लेंसन क्या बोल रहे हो, तुम उससे प्यार नहीं करते, बोलता है। तो ना हमारा लेंसन ना उसको हक कर लेता है और कहता है कि विंग अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो मैं तुमसे प्यार करके भी क्या करूँगा, तुम मेरे साथ होनी चाहिए, हम दोस्त बन कर भी रह सकते हैं, मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अगर मतलब लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, ऐसा बोल रहा था। और ना हमारा विंग कहता है कि लेंसन तुम अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम कार के सामने क्यों आते मुझे धक्का देकर। तो हमारा लेंसन कहता है कि विंग मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, लेकिन
ना तुम अगर मुझसे पसंद नहीं करते हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो ना, तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनकर रहूँगा। ऐसा बोल रहा था। और ना भींग कहता है कि लहसन क्या बोल रहे हो, बोलता है। और भींग कहता है कि तुम जब हॉस्पिटल मतलब मेरे साथ आ रहे थे ना, जब हम कार में थे, तो ना मुझे कैसा लग रहा था पता है, कि मेरी जान जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लहसन, लेकिन मैं भी तुम्हें नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर तुमने दोस्ती तोड़ दी तो, अगर मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाया तो, अगर तुम्हारे साथ नहीं रह पाया तो, और अब जब तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाला ना, मुझे कितना मतलब कैसा लग रहा था तुम्हें पता है, बोलता है। और ना ये सब बोल रहा था। और हमारा भीम कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लहसन, और बचपन से प्यार करता हूँ, जब से हम दोनों फ्रेंड्स बने हैं तब से प्यार करता हूँ, जब तुम्हें वो बच्चे बुली कर रहे थे ना, मुझे तब से बुरा लगा था, इसी वजह से मैंने उनको डांटा था, उनको कहा था कि मैं तुम्हें बुली कर सकता हूँ, कोई नहीं कर सकता, लेकिन तुम तो समझे ही नहीं लहसन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल रहा था भींग। और ये सुनकर ना हमारा लहसन ना मतलब शॉक्ड हो जाता है, और ना उसके आँखों से ना आंसू गिर रहे थे। और वो कहता है कि ऐसा था तो तुमने मुझे कभी कहा क्यों नहीं, और जब निहुसैन ने तुम्हें पूछा कि हमारी इंगेजमेंट मतलब कैसे हुई क्या हुआ, तो तुमने ये क्यों कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, इसी वजह से मेरे साथ रहना चाहते थे, इसी वजह से मतलब इंगेजमेंट किया है। तो ना हमारा विंग कहता है कि तुम्हें नहीं बताया था कि तुमसे प्यार करता हूँ, तो उनको कैसे बता देता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और वो दोनों ना ऐसे बात कर रहे थे, और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो एक दूसरे के बारे में जानते थे, और ना वो दोनों ऐसा बात कर रहे थे, तो लहसन कहता है कि तुम बता सकते थे ना विंग, बोलता है। और जब वो लड़की तुम्हें पूछ रही थी कि तुम किसी और से प्यार करते हो, पसंद करते हो क्या, तो तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारा मतलब ऐसा फ्योन से हूँ, बोल के। तो ना हमारा विंग कहता है कि मैंने कहा था, लहसन बोलता है। तो लहसन कहता है कि मैंने तो नहीं सुना ना। तो हमारा विंग कहता है कि मैंने जब उसे कहा ना, तुम चले गए थे वहाँ से, मैंने उससे कहा था कि मैं लहसन से शादी करूँगा, और मैं उसका ना मतलब फ्योन से हूँ, ऐसा कहा था। तो हमारा लहसन ये सुनकर ना शॉक्ड हो जाता है, और वो कहता है कि तुमने सच में कहा था। तो हमारा विंग कहता है कि क्या मैं झूठ बोलूँगा तुमसे, बोलता है। और ये दोनों ना ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे, तो नर्स ना कहती है कि आप लोग कितना ही लड़िए और मत लड़िए, झगड़ा मत कीजिए, और मुझे पता तो लग गया है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब तो अपने अपने मैट पर लेट जाइए, आपके दोनों के सिर में चोट लगी हुई है, ऐसा बोलती है। तो ना हमारा जो विंग है ना, वो कहता है कि लहसन तुम भी वहाँ पर बेड पर लेटो, बोलता है। और हमारा लहसन हाँ कहता है, और वो भी लेट जाता है बेड पर। और इधर ना उनके दोस्तों को पता लग गया था कि इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, तो वो लोग ना मतलब भागे भागे हॉस्पिटल आते हैं, और ना उनके रूम में जाते हैं, और कहते हैं कि लहसन विंग तुम्हें ये सब कैसे हुआ, मतलब तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, ऐसा पूछ रहे थे सब लोग। तो हमारा विंग कहता है कि ये लहसन ना इतना बड़ा बेवकूफ़ है, मुझे बचाने के लिए खुद कार के सामने आ गया और खुद को चोट लगा ली। तो हमारा लहसन कहता है कि विंग को अगर चोट लग जाती तो मतलब ज़्यादा लग जाता, तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ना मैंने ना उसको धक्का दे दिया, तो मेरे से कार हिट हो गई, और मेरे को मतलब साइड से हिट हुआ था, और वहाँ से चली गई कार। तो ना हमारे जो ये लोग थे ना, मतलब उनके दोस्त थे ना, ये लोग सोच रहे थे कि ये दोनों क्या कह रहे हैं, मतलब लहसन विंग की जान बचाने के लिए कार के सामने आ गया, और इसी वजह से विंग गुस्सा है लहसन से। तो ना हमारा निहुसैन पूछता है कि विंग तुम उससे गुस्सा क्यों हो, तो हमारा विंग कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, इसी वजह से मुझे बचाने के लिए कार के सामने आया, तो मैं अभी तो उससे प्यार करता हूँ ना, तो मैं मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे तो कुछ मतलब होश ही नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे उसे हॉस्पिटल ले आया हूँ मुझे पता है, बोलता है। तो ना ये सुनकर ना सब लोग ना मतलब हंसने लगते हैं कि ये दोनों ना मतलब इस बात पर लड़ रहे हैं कि
वो मुझसे प्यार करता है तो मैं उसे बचाना चाहिए, मुझे उसे बचाना चाहिए था, और दूसरा कह रहा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ तो मुझे उसे बचाना चाहिए था, ऐसे लड़ रहे हैं। और उनके दोस्त कहते हैं कि हाँ भाई हाँ, हमें पता लग गया कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, ऐसा बोलते हैं। और हमारी बेंचिंग ना कहती है कि लैंजैन देखा, मैंने कहा था ना तुम विंग को बता दो कि तुम उससे प्यार करते हो, देखा उस वो भी तुमसे प्यार करता है, बोलता है बोलती है। तो हमारा लहसन ना हाँ कहता है, और ये सुनकर ना हमारा विंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मुझसे प्यार करता है, इतने दिनों से मेरे साथ रह रहा था, मुझे नहीं पता लगा, तुम्हें बहुत पता लग गया। तो वो कहती है कि मैं स्मार्ट हूँ ना, बोलती है बेंचिंग। तो ना ये सुनकर ना विंग कहता है कि हाँ वो तो हो, बोलता है। और ना ऐसे बात कर रहे थे वो दोस्त लोग, और वहाँ पर ना डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ना अब घर जा सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उनके दोस्त ना उन दोनों को ना उनके घर ले जाते हैं, और हमारी बेंचिंग जो थी ना उनके लिए खाना बना देती है, क्योंकि लेनदेन को चोट लगी हुई थी। और ना वो लोग ना उनको ना अपने अपने कमरे में, मतलब उन दोनों के कमरे में ले जाते हैं, और वहाँ पर ना उन दोनों को ना लेटा देते हैं, उसके बाद उनको खाना देते हैं। और वो रात का टाइम था तो वो लोग ना खाना खाते हैं और सो जाते हैं। और ना हमारे विंग को चिंता हो रही थी कि लैंसन को अगर कुछ ज़रूरत पड़ गई, अगर कुछ उसे चाहिए होगा तो वो क्या करेगा। और उनके जो दोस्त थे ना वो घर चले गए थे, तो हमारा विंग जो है ना क्या करता है कि वो लैंसन के रूम में जाता है और लैंसन के मतलब पास में ही लेट जाता है, और वहाँ पर ना वो लैंसन को देखने लगता है और कहता है कि लैंसन तुम मेरे बचपन का प्यार हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बोलता है। और उसके माथे पर ना एक किस करता है, और ना वो भी वहाँ पर सो जाता है। तो हम कल सुनेंगे कि जब अगले सुबह हमारे लैंसन की आँख खुलेगी तो क्या सब होगा और आगे क्या होगा, और उनके मम्मी पापा को जब पता लगेगा कि इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तो क्या सब हंगामा होगा। और आपको ये एफएफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।